स्टोरीज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ बहुत जरूरी है। देखिए गेस व्हाट द टेंट्स आर सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर होने वाला है हमारा डिनर। जो अपने मतलब माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं बच्चे, या जो सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, मैं उनको रेस्क्यू करके अपने साथ रखता हूँ। तो 48 लोगों का मेरा परिवार है, रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन की तरफ से हूँ मैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बैल, इसलिए कि यहाँ बहुत चिड़िया बैठता है और यहाँ टेबल है खाने का, हाक देते हैं यहाँ पे। और हमारा कैंप एंड हम लोग यहाँ निकल पड़े। दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। हम लोग बढ़ रहे हैं टू सी द सनसेट। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और एक ही बात जानते हैं, इन सब जगहों के ऊपर कुछ कहानियाँ हैं, है ना। हाँ। ये जो क्वाड यहाँ पे जो राइडर्स होते हैं वो कई बार बताते हैं, पता है यहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, उस फिल्म की शूटिंग हुई थी। स्टोरीज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ बहुत जरूरी है। देखिए बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग, है ना, एकदम। अब हम चले वापस जोन में। मामला हाउ द एक्सपीरियंस? मार्वेलस, है ना, अमेजिंग, अमेजिंग। हाय, वाह। और बहुत अच्छा हुआ कि रात होने के पहले ही हम निकल आए, ताकि इस जर्नी को भी हम देख पा रहे हैं। बहुत सारी कहानियां सुनानी है दोस्त, बने रहिएगा ऑन 50+ जिंदगी, बने रहिए हमारे साथ। वाह, सनसेट हो चुकी है और हम लोग वापस जा रहे हैं, एंड दिस इज डस्क, डस्क हो रहे हैं। वाह, it is really an amazing atmosphere here. Amazing atmosphere. Rupali is talking with Toon Mahi, Guwahati mein. Unse baat kar rahi hai. Toon Mahi, hello. Hello. What the tents are so beautiful. देख सन्यूज़ देखने गए थे, सनसेट देखने गए थे, और टेंट्स के अंदर तो इतने सुंदर है। देखिए कोजी, वेल लिट, वाइट कलरफुल बेड कवर, बहुत सुंदर ये ड्रेसिंग टेबल वुडन, वहाँ बाथरूम है, वेरी नाइसली अरेंज, बहुत अच्छा लगा। अभी डिनर करने जा रहे हैं, वो भी सन्यूज़ पे। बहुत ही मैजिकल एटमोसफेयर है दोस्त। तो इस एटमॉस्फेयर में ये आज की शाम कटने वाली है। और टेंट के बाहर जो नज़ारा है ये देखिए, और यहाँ ऐसे खूबसूरत ड्रीमी एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि क्या कहूँ, बहुत ही सुंदर है। फेस दिखाई दे रहा है पता नहीं, लेकिन ये डाइनिंग हॉल है, फिर दिवाली लग रहा है, दिवाली। यहाँ से कितनी दूर है वो जगह? सर एक किलोमीटर। एक हम चले डिनर करने ऑन द ड्यून्स। जी जैसे इस तरफ कनोई विलेज है, सामने सम विलेज। दिस इज अनबिलीवेबल यार। यहाँ पर होने वाला है हमारा डिनर। थैंक यू जी। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये माहौल है भाई। उनमा बहुत ही सुंदर माहौल है, एकदम डेजर्ट के बीच, ऐसा कोई नहीं है, सन्नाटा, दूर से कोई म्यूजिक बज रहा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक मैजिकल शाम है। 50+ जिंदगी पर ऐसी ही कुछ अमेजिंग शाम है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी अपनी जिंदगी। यस माय फ्रेंड, इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी सेलिब्रेट आवर लाइव्स। आप जहां भी हो,
ढेर सारा प्यार आप। अरे अरे जबरदस्त था, चीज जबरदस्त था, वाह। साथ चलती है कसी, साथ साथ चलती है, यूं हसीनों की जुल्फ लहराई, ओके बंदे नचालो। भवई नाच मत का डांस देखने जा रहे हैं, बैलेंस का जिस क्रेज से ये परफॉर्म कर रहे हैं, वाह वाह वाह। अपना नाम और टेलीफोन नंबर प्लीज बताइए। जी मेरा नाम खेते खान है, मैं जैसलमेर से हूँ, ट्रेडिशनल मंगनियार हूँ म्यूजिशियन। मेरा मोबाइल नंबर है 7976481817। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम लोग यहाँ पर डेजर्ट कैंप में हैं और यूं ही बात करते करते मैं एक सज्जन के साथ बात कर रहा था और उन्होंने कुछ बताया अपने बारे में। उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे मिल चुके हैं इंदौर में और फिर कहा कि इंदौर में क्या करते हैं, बताइए ज़रा यश आप क्या करते हैं। मैं इंदौर शहर के बेसारा निराश्रित लावा रिसोर परिवार से त्यागे गए दिव्यांगजन बुजुर्गों के क्षेत्र में काम करता हूँ, जो अपने मतलब माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं बच्चे, या जो सड़क के किनारे पड़े रहते हैं मैं उनको रेस्क्यू करके अपने साथ रखता हूँ। तो 48 लोगों का मेरा परिवार है, रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन की तरफ से हूँ मैं। रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन, ये संस्था भारत के किसी भी जिले में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड डोनेशंस प्रोवाइड कराती है। उन माँ बाप को आप देखते हैं जो इनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं। हाँ, हमारे पास ऐसे 48 है, लेकिन ये जो अपना आश्रम है ये देश का पहला समावेशित आश्रम है, जहाँ पे ऐसे बुजुर्ग हैं जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सब लोग एक साथ एक परिवार बन के रहते हैं। कुछ लोग ऐसे जिनको बॉडी में कीड़े पड़ गए हैं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उनको ट्रीटमेंट कराना, तो ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं वहाँ पे। आप कभी इंदौर आएंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे और हमारे पूरे परिवार से मिलवाएंगे। ज़रूर आऊँगा दोस्त, अब तो आपने बता दिया है जी। और आप अपना टेलीफोन नंबर बताएं ज़रा। नंबर है 9755550555, rakhtamitraindia@gmail.com। निराशित सेवा आश्रम की शुरुआत मैंने 2014 में की थी, जब मैं 21 साल का था। हाँ। और अब मैं 30 साल का हो गया हूँ, तो ऐसे 10 साल होने वाले हैं निराशित सेवा आश्रम को। मेरे परिवार में मैंने अपना नाम बताया यश प्रेरणा पाराशर, पाराशर तो मतलब बता रहा है कि मेरे फादर कौन थे, प्रेरणा बताता है कि मैं किसका बेटा हूँ, और यश मैं अपनी पहचान है, तो ऐसे यश प्रेरणा पाराशर में अपना नाम लिखता हूँ। मैं और मेरी मदर अकेले रहते हैं, तो हम लोगों ने मैंने मेरी मदर से पूछा था कि अपना परिवार इतना छोटा क्यों, मम्मा बोली कि मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया, तो मेरी मम्मा बोली कि तुम अपना परिवार खुद बड़ा कर लो। तो फिर मैंने ऐसे बुजुर्गों पे ध्यान दिया जिनके बच्चे उनको मारपीट के निकाल देते हैं, जो सड़क किनारे लावारिस पड़े रहते हैं, तो मैंने उन सबको इकट्ठा करके अपने पास रखना स्टार्ट किया। इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी वे, वॉन्ट टू रीच आउट टू देम,
links are right here. Thank you, sir. Wah, dost, wah. Sir, wah, wah, sir, aga aapse mulaqat hui. Touched. This is the kind of pleasure, the honor, the ashirwad, jo duniya hum sabko deti hai. ऐसे लोग हैं और हमको मिलते हैं और हम थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. थैंक यू. आपका शुभ नाम? तुषार वेराले. तुषार, आप दोनों दोस्त हैं? हाँ सर, हम लोग फ्रेंड्स हैं. वाह वाह वाह. मैंने आपके ब्लॉग्स देखे हैं सर, एक्चुअली. हाँ. दोस्ती जिंदाबाद दोस्त. बिल्कुल. बहुत सारा प्यार. थैंक यू सो मच. वाह. गट्टा करी मिक्स वेज और ये सब कुछ बिना मिर्ची के. मेरे पास यही सब है नॉर्मल जो बना है. खाना जबरदस्त है. वाह.